सीआरपीएफ जवानों का योग दिवस आयोजन। सातवें योग दिवस पर जवानों अधिकारियों ने लिया हिस्सा। वही हर साल सीआईएसएफ जवान योग शिविर का करते हैं आयोजन। कमांडेंट सहित कई अधिकारी ने की शिरकत। लखनऊ से आप पूरी खबरें, जहां एयरपोर्ट पर शिविर का आयोजन किया गया। तमाम इस दौरान मौजूद रहे अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सीआईएसएफ जवान योग शिविर का हर साल करते हैं आयोजन। इस बार भी जवानों ने शिविर लगाते हुए आयोजन किया है योग दिवस के अवसर पर। वहीं तमाम सीआईएसएफ जवान योग दिवस के अवसर पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, योग कर रहे हैं। वहीं तमाम लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर साल सीआईएसएफ जवान योग शिविर का आयोजन करते हैं। कई अधिकारियों ने इस दौरान मौजूद हुए, कार्यक्रम में शामिल हुए और योग करा। और कई तमाम अधिकारी इस दौरान योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बता दें कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है। बता दें कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वहीं आज सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस पर ही एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों का योग दिवस के अवसर पर शिविर लगाया गया है। जिस तरीके से खबरें सामने आई है, हर साल की तरह इस साल भी सीआईएसएफ के जवानों ने शिविर लगाया है और कई कमांडेंट के साथ कई अधिकारी भी इस शिविर में मौजूद हैं। कई अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि हर साल सीआईएसएफ के जवान शिविर का आयोजन करते हैं और कमांडेंट सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद होते हैं। इस बार भी कमांडेंट सहित कई अधिकारी इस आयोजन में मौजूद हुए और इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोंडा से राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं और संभल से रईस जुड़ चुके हैं। हम उमेश से जानना चाहेंगे, उमेश जिस तरीके से खबरें भी सामने आ रही हैं, आज योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है वहाँ? देखिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और इसी क्रम में आप देखिए जिस तरह से योग को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और चाहे उत्तर कोई भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, सारे लोग योग दिवस को मना रहे हैं। और कहीं कहीं इसके कई फायदे हैं। एक तो हम स्वस्थ रहते हैं, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से योग को लेकर ये सातवां योग दिवस है जब मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, 6 साल हो गए और अब ये सातवां योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिससे कम से कम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ वातावरण के साथ हम लोग जी पाए। और जिस तरह से जो संकट था, जिस तरह से ये महामारी आई थी और इसमें सारा खेल इम्यूनिटी पावर का था और कहीं कहीं
योग एक ऐसा एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है। समझिए कि अगर हमको जीवन जीना है तो योग एक ऐसी कला है जिससे हम निरोगी काया को अपने बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, आत्मबल और स्वास्थ्य और बेहतर। इस तरह की चीजें हैं योग में, और शायद यही वजह है कि आप देखिए योग दिवस को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह योग दिवस को लेकर आज आयोजन हो रहे हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, बीजेपी संगठन के लोग हैं, या और तमाम जो उत्तर प्रदेश में अफसर हैं, चाहे डीजीपी की बात की जाए, या पुलिस कमिश्नर लखनऊ की बात की जाए, या एडीजी लाइन आर्डर की बात की जाए, तमाम जो अफसर हैं पुलिस के, वो भी एक योग दिवस मना रहे हैं। अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, जो संस्थान है वहां पर मनाया जा रहा है। तो ये आप समझिए कि योग को लेकर जिस तरह से सरकार संजीदा है, और हर व्यक्ति को संजीदा हो जाना चाहिए। अगर योग ऐसी कला है जिससे हम अपनी निरोगी जो शरीर है इसको निरोगी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो शरीर है उसको स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। जी, हमारे साथ राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं कई जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं, गोंडा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से एक तरफ कोरोना काल है और अब कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत अहम माना जा रहा है, क्या देखने को मिल रहा है वहाँ? गोंडा के डीआईजी श्री राकेश सिंह जी ने जब से जनपद में आए हैं तब से योग को ज्यादा महत्व दिया है, और आज जनपद के समस्त आला अधिकारी योग दिवस पर योग का आयोजन करा करके लोगों के साथ योग कर रहे हैं, और जनपद के समस्त ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पर लोग योग को ज्यादा महत्व दे करके योग को एक प्रकार से अपनी यानी अपनी जिंदगी का एक पूरा अहम हिस्सा समझते हैं। और योग करने से लोग को ये समझ आ गया है कि योग के फायदे तो बहुत हैं। अगर कहा जाए तो कोरोना काल में लोग योग करके अपनी इम्यूनिटी पावर को चुस्त दुरुस्त करके कोरोना जैसी महामारी से बचाव किया है। जी रईस, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, कई जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं, वहीं बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है संभल में? जी देखिए, अगर बात किया संभल की, तो संभल में जो है 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री के आह्वान में ये युवा दिवस मनाया जाता था। लेकिन अब बात में तो संभल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अपने अपने स्थानों पर जो है योग दिवस मना रहे हैं। और अगर बात की जाए क्या बोलते हैं अधिकारियों की, अधिकारी भी इसमें लिए हुए हैं, जिलाधिकारी हैं और एसपी साहब हैं, वो अपने अपने आवासों पर अपने अपने कार्यालयों पर ही योग दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। और योग की अगर बात की जाए तो योग दिवस करने से बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती है, योग दिवस करने से जो परेशानी है वो सारी दूर हो जाती है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा हो जाती है। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जो योग दिवस एक स्थान पर होता था, लेकिन कोरोना काल देखते हुए एक स्थान पर नहीं किया जा रहा है, सभी अधिकारी अपने अपने आवास पर जो है योग दिवस कर रहे हैं। और जो भारतीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की, तो वो भी अपने अपने स्थानों पर अपने अपने कार्यालयों पर योग दिवस मना रहे हैं। जी उमेश, आपसे जानना चाहेंगे जो कमांडेंट सहित कई अधिकारी शिरकत कर रहे हैं, और CISF के जवान जो है हर साल शिविर का आयोजन करते हैं योग दिवस के अवसर पर, क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, CISF के जवान हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या केंद्रीय बल हो या CRPF हो, कोई बल हो, कोई एजेंसियां हो, कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो, अगर उसको स्वस्थ रहना है तो योग एक ऐसा हमारा जो पुराना योग है जिसके फायदे हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग ऐसी एक कला है जिसको हम करके कहीं कहीं तन मन धन से स्वस्थ रह सकते हैं। वो कोई भी हो, चाहे CISF के जवान हो या किसी अन्य एजेंसी के जवान हो। हालांकि जिस तरह से योग दिवस को लेकर अब जागरूकता भी दिख रही, जिस तरह से आवाहन किया गया था लगातार, ये 7वां योग दिवस है जब बृहद रूप से मनाया जा रहा है। हालांकि जी उमेश, रईस से हम जाना चाहेंगे, रईस, जिस तरीके से कई जवान भी
शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कई लोग कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं और कई जगह इस दौरान देखने को मिल रहा है कि बच्चे भी इस बार काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर योगा को देखते हुए। क्या कुछ बच्चों का कहना है? जी 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 रईस, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस योग दिवस के अवसर पर बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं, बच्चे भी शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में और काफी उत्साह के साथ बच्चे जो है योग करते हुए नजर आ रहे हैं, योग दिवस के अवसर पर बच्चों का क्या कुछ कहना है? बाकी है तो बच्चे भी जो है अपने अपने आवास पर जो है योगा दिवस मना रहे हैं और योगा दिवस पर भी बच्चे अपनी योगा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की अगर बात की है तो बच्चों को कहना चाहिएगा हम योगा करने से हमारा शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और उनसे बहुत सारी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और उससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। जी जी आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।